अब जानना चाहेंगे जो तीसी हमारे किसान भाई लगाए हुए हैं और उनके खेतों में देख रहे हैं कि फसलें जो हैं तो पक के तैयार होने के कागार में हैं और ऐसे में बारिश भी आ रही है झारखंड में देख रहे हैं, तो क्या सावधानी बरतें कि दाने इनके खेतों में न गिरे सीधे खलिहानों तक पहुंचे। किसान भाई, ये इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, खास करके तीसी का जहाँ तक सवाल है, चूँकि इसका तीसी का जो कैप्सूल होता है वो थोड़ा सा मतलब कि मजबूत होता है, अगर गिर भी गए हों खेत में तो ज़्यादा मतलब कि सावधानी नहीं बरतना, सावधानी घबराना नहीं है, और सावधानी ये बरतना है कि जैसे ही खेत तीसी आपको ये जो बारिश रुक रुक करके हो रही है आपकी तीसी की फसल के लिए जो थोड़ी बहुत हरी है उसके लिए मददगार साबित होगा और इसके दाने पुष्ट होंगे। दूसरा सावधानी ये बरतना है कि इसको यथाशीघ्र मतलब कि अगर वो थोड़ा सा भूरा टाइप का मतलब कि जो क्रॉप पकने के कगार पर हो तो उसका हार्वेस्टिंग कर ले और उसको सुखा करके और उसका दौनी कर ले। तीसी एक महत्वपूर्ण मतलब उत्पाद है खास करके झारखंड के लिए, चूँकि यहाँ इस तरह का फसल का लगाने का परंपरा नहीं रहा, लेकिन आजकल तीसी का और खासकर के दाने और इसके तेल इत्यादि का जो है काफ़ी मांग बढ़ गया है, चूँकि यही एक ऐसा है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे मतलब कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है, हृदय के लिए बढ़िया है। तो किसान भाई, ये सब सावधानी थोड़ा बरतें, इसका अधिक से अधिक सावधानी बरतते हुए इसका हार्वेस्टिंग कर ले ससमय और हार्वेस्टिंग करके इसको सुखा करके हार्वेस्टिंग करें और इसका संग्रहण बढ़िया से करें, तो इससे क्या होगा कि आपका अधिक उत्पाद घर में आएगा और इसको बाजार में या इसका और प्रोसेस करके जो भी हो इसको बाजार में अगर पहुंचाएंगे तो अधिक से अधिक।